पर दिखाएं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। ढूंढ ली है अक्षर की पहचान। अक्षर असली चीज है, इसमें है संसार। सब चीजों में छिपा है अक्षर, आओ करे पहचान। शुरुआत से अंत तक सबका एक निशान है। इसमें अक्षर उसमें अक्षर, अपने हैं सब साथी अक्षर। आओ खेलें खेल हमारा, नाम है जिसका अक्षर मेला। जब मैं छोटी बच्ची थी बहुत शरारत करती थी। एक दिन टीचर ने पूछा, हमारे देश ने दुनिया को क्या दिया है? तो मैंने पीछे से आवाज लगाई कि अंडा, और फिर डर गई क्योंकि सोचा पड़ेगा डंडा। लेकिन फिर हुई कुछ बात खास और टीचर ने बोला, शाबाश, हमारे देश ने दुनिया को दिया है शून्य, यानी कि जीरो। है ना अक्षर और अंकों की दुनिया अजीब, लेकिन आप तो ये बात जानते हैं क्योंकि आप भी इस दुनिया में शामिल हैं। और आपके इस ज्ञान के हौसला बढ़ाने के लिए और आपको इज्जत देने के लिए हम आपका स्वागत करते हैं आज के अक्षर मेला में। आइए चल के मिलते हैं हमारी तीनों टीमों से। हमारी पहली टीम है भरतपुर से, दूसरी टीम है सीकर से, और तीसरी टीम है टोंक जिला बी से। पहले चल के आपको मुलाकात करा दूं अपनी भरतपुर की टीम से, और इनकी स्वयंसेवक का नाम है नीतू कार। आपने क्यों शुरू किया इनको पढ़ाना? देखा कि है ना, हमारा मोहल्ला बड़ा है और अनपढ़ ज्यादा है। चिट्ठी मेरे से पढ़वाने आती थी वो। मुझे लगा कि मतलब इनमें इतनी जागरूकता जगानी चाहिए कि ये मतलब शिक्षा का ज्ञान प्राप्त कर सके। एक तरफ देखा जाए तो वो अपने बच्चों का भी भविष्य उसी में ढाल रही थी। तो आपको लगता है कि अगर माँ शिक्षित हो तो हाँ, जैसी माँ होगी वैसी तो वो संस्कार देगी ना अपने बच्चों को। ये तो बहुत अच्छी बात कह दी इन्हें, इसके लिए तालियां तो बजानी पड़ेगी। ये बहुत अच्छी बात कह दी आपने। और नीतू के साथ आए हैं बबली, और ये है कन्हैया, और ये है दीपक, और ये है मिथलेश। इनके लिए तालियां बजा दीजिए। और ये है हमारी सीकर की टीम, और इनके स्वयंसेवक का नाम है बहादुर सिंह पोनिया। जब आपने इन्हें पढ़ाना शुरू किया था, आपने कौन सी मुसीबतों का सामना किया? मुसीबतें तो विशेषकर गाँव वाले भेजते नहीं थे, एक दूसरे से संपर्क किया हमने, लोगों को समझाया। क्यों नहीं भेजते थे? साक्षरता के बारे में वो नहीं भेजते थे कि क्या अब ये पढ़ेंगे, अब नौकरी करेंगे क्या, ऐसा करेंगे क्या, इस प्रकार से कई बातें। अच्छा, उनको लगता था कि अगर साक्षर होंगे तो सिर्फ नौकरी कर सकते हैं। कि जिंदगी में कोई फर्क नहीं, जिंदगी में कोई फर्क नहीं आएगा ये पढ़ेंगे तो। अब उनका ख्याल बदल गया है। हाँ, चलिए। और बहादुर के साथ आए हैं मैनुद्दीन और रामचंद्र, और ये है संतोष, और ये है सोनी। इनके लिए तालियां बजा दीजिए। और ये है हमारी टोंक जिला बी की टीम, और इनके स्वयं सेवक का नाम है हरि नारायण। चलिए जी। और इनके साथ आए हैं जय नारायण, और ये है राम कुमार, और ये है सीता, और ये है शांति। चलिए जी, आपकी मुलाकात होगी हमारी टीमों से। अब चल के खेलते हैं अपना पहला खेल जिसका नाम है खोजबीन। तो क्या करना है? खोजना है और बीनना है। काय को? शब्दों को। हम जो आपको शब्द की जाली दिखाएंगे उसमें से शब्द छिपे हैं आप सबके लिए, अलग अलग चीजों के। पहले हम जाएंगे भरतपुर की टीम के पास, और नीतू से पूछेंगे कि इनकी टीम से कौन आएगा खोजने, कौन लिखने। पहचानने जाएंगी बबली जी और लिखने मिथलेश। अच्छा, आप पहचानेंगी बबली और आप लिखेंगी मिथलेश। आप जाइए को खोल लीजिए और आप मेरे साथ आइए। आपने क्या सोचकर पढ़ाई शुरू की? पढ़ाई के बगैर बहुत परेशान रहते थे, पत्र वगैरह आते थे, पढ़ नहीं पाते थे। आपके पति भारगांव काम करते हैं? हाँ जी। तो फिर जब उनके पत्र आते थे आप किसके पढ़वाती थी? किसी और से पढ़वाते थे, फिर वो नहीं लिखते थे। आपको शर्म आती थी? हाँ जी। अब आप खुद पढ़ती हैं उनके पत्र? खुद। और उनको लिखती भी हैं? हाँ जी, लिखते हैं। लिखती भी हैं, चलिए ठीक है। और आपको खोजने हैं यहाँ पर अनाज के शब्द, और आपकी जाली है ये। चलिए, आपका समय शुरू हो गया। बाजरा। बाजरा कहा इन्होंने? गेहूं। गेहूं। जौ। जौ सही बोला। ज्वार। बिल्कुल सही, चारों सही हो गए इनके। चलिए बबली, आप जल्दी जाके बैठ जाइए, अभी बहुत समय है आपके पास। आप घबराइए मत इधर, आपके पास काफी समय है, आप लिखते जाइए। चलिए, गेहूं बोला, बाजरा बोला इन्होंने। चलिए चलिए चलिए, जल्दी जल्दी बोलिए, चलिए जल्दी कीजिएगा। बाजरा बोला, ज्वार बोला, गेहूं बोला, बाजरा बाजरा,
बाजरा, देखो ना अभी तक मैं बोल रही हूँ आपको, बाजरा बोलो, एक जन आएगा, एक जन आएगा, चलिए चलिए चलिए, एक जन आएगा, हाँ बाजरा, ना ना ना, ओहो बस 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 बस, ऐसा है कि ये ज्वार, ज्वाजर लिख दिया आपने, चलिए बाजरो इनको दे देंगे और गेहूं दे देंगे, लेकिन ये नहीं दे सकते आपको क्योंकि ये ज तो बहुत बड़ा बीच में आ गया गलत। चार और दो यहाँ हो गए, इनके हो गए 50-60 अंक। चलिए आप आइए, आप मुझे बताइए कि यहाँ स्पीकर की टीम से कौन जाएगा पहचानने, कौन जाएगा लिखने? पहचानने के लिए श्रीमती संतोष देवी, हाँ। और लिखने के लिए मयूरुद्दीन। और खिड़की खोल दीजिए, आप आइए मेरे साथ, आप आइए 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 और इधर खड़े जाइए मेरे साथ। आपको यहाँ खोजना है नदियों के नाम और ये रही आपकी जाली, आपका समय शुरू होता है अब। नंदी, संबल, चंबल, लोनी, लोनी, माई, माही कह रहे हैं, एक और है देखिए देखिए, इस तरफ हो सकता है, ऊपर से नीचे हो सकता है, कहाँ हो सकता है, बहुत समय, आराम से देखिए, एक और नदी होगी, एक और नदी होगी, देखिए सारे में देखिए, हर अक्षर को पहचानिए, दिख रहा है कुछ आपकी पहचान में? कोई नहीं कोई नहीं, कोई बात नहीं, चलिए चलिए देखिए ना, सुनिए, आप लिख सकते हैं, चलिए चलिए समय खत्म हो गया, सुनिए आप जाओ बैठो, मैं यहाँ देखती हूँ उन्होंने क्या किया, अपना ये होना चाहिए था चंबल, ये चंबल नहीं हो सकता, ये होना चाहिए था लूनी, ये बिल्कुल सही है, और ये थी माही, ये भी सही है, वहां तीन सही हैं, यहाँ दो सही हैं, आपके हुए 50 अंक। आप यहाँ बैठे मेहनतीन और मुझे बताइए कि पढ़ने लिखने के बाद आपकी जिंदगी में क्या फर्क आया है? टेलर का काम सीखा। अच्छा, तो पहले टेलर नहीं थे आप, पहले क्या करते थे? पहले ऐसे ही फिरता था, ऐसे ही फिरता था, बेकार थे आप, बेकार थे। तो पढ़ने लिखने के बाद आपने टेलरिंग की दुकान खोली, हाँ। चलिए ठीक है, इनके लिए तालियां बजा दीजिए एक बार। और ये हमारी टोंक जिला भी की टीम है, हरि नारायण यहाँ कौन जाएगा पहचानने, कौन जाएगा लिखने? जय नारायण लिखेगा, सीता देवी पहचानेगी। अच्छा, तो सीता देवी आप पहचानेगी मेरे साथ और जय नारायण आप लिखेंगे। आप मुझे बताइए कि आप कब से पढ़ रहे हैं? दो साल से। दो साल से पढ़ रहे हैं आप, अच्छा, तो आप क्या करते हैं, काम काज क्या करते हैं? काम काज करते हैं, खेती का। तो फिर आपने क्या सोच के पढ़ाई लिखाई शुरू की? आपको तो वक्त नहीं मिलता नहीं होगा खेती से। कुछ दस्तखत करने आ गए तो फिर पढ़े हमने, पढ़ते ही पंचायत का मेंबर बन गए, तो हमारे शौक हो गई। अच्छा, शौक हो गया आपका। पंचायत का मेंबर बनने से हमारे ज्यादा शौक हो गई। चलिए आप चलिए जय नारायण जी और आप जाके लिखिएगा और आप मेरे साथ आइए इधर आइए। आपको पहचानने हैं यहाँ जिले के नाम, तो ये रही आपकी जाली, आपका समय शुरू होता है। अजमेर, अजमेर, शाबाश। सिकर, सिकर, बूंदी, बूंदी, बाड़मेर, बाड़मेर, इनके यहाँ चारों सही हो गए। आप वहां जाके बैठिए, घबराने की कोई बात नहीं, बहुत समय है आपके पास। इन्होंने बोला अजमेर, 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 अजमेर बोला इन्होंने, इन्होंने सीकर बोला, चलिए हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, सीकर, सीकर बोला इन्होंने, सीकर, चलिए सीकर, चलिए चलिए बहुत अच्छे, सीकर, इन्होंने बूंदी बोला, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक चल रहा है, चलिए बूंदी बोला इन्होंने और इन्होंने बोला बाड़मेर, चलिए जल्दी 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 लगा दीजिए, अच्छा बस 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 बस, आप तो बहुत अच्छे, बिल्कुल ठीक हो गया। ऐसा है, अजमेर सही है, सीकर सही है, बूंदी ये इसका है, हम दे देंगे इनको, और बड़मेर सिर्फ आ की मात्रा यहाँ नहीं है, हम इन्हें दे देंगे, इनके चारों यहाँ सही हैं, इनके चार वहां सही हैं, इनके हो गए 80 अंक, बहुत अच्छे, चलिए चलिए।
हमारे खोजबीन का खत्म हो गया खेल, अब देखते हैं किसको कितने अंक मिले। भरतपुर जिला को 60 अंक, सीकर जिला को 50 और टोंक जिला को 80। भाई आपके अंक आपका हिसाब किताब हो गया, और आपका अंक और आपका हिसाब किताब हमने आपके बही खाते में लिख लिया। अब आपको खेलना है एक और खेल जिसका नाम ही है बही खाता। कुछ हिसाब की बातें करनी है, सबसे पहले हम जाएंगे भरतपुर की टीम के पास और नीतू से पूछेंगे कि यहाँ पर कौन जाएगा गणित के सवाल हल करने। कन्हैया। कन्हैया आप जाएंगे? आप गणित से तेज है? ज्यादा तेज नहीं है, कोई बात नहीं, आपके साथ में आपकी मदद करेंगे आवाज बढ़ाते। आप चलिए कन्हैया और अपनी खुशी खोलिए वहाँ पर। चलिए खिड़की खोलिए और आपका समय शुरू होता है अब। 46 जमा 15 बने, आप लोग यहां से दे सकते हैं आवाज। 61। ये कह रहे हैं 61 कह रहे हैं, दीपक कह रहा है 61। अगला है 56 घटा 27 बने। चलो सोचो, शैलेश बबली 20 गुना 3 बने। चलिए 60, फिर से बोलो 60। दीपक कह रहे हैं 60 और मिथिलेश भी कह रही है 60। और आपका अगला है 81 भाग 3 बने। चलिए चलिए जल्दी 27, ये कह रहे हैं 27। चलिए, अरे वाह, बिल्कुल आप नहीं रही करेगा, नहीं रही। चलिए आपका पहला है 61, दूसरा है 29 होना चाहिए था, ये थोड़ा गलत हो गया, और ये है 60 और ये है 27। आपके 3 सही हैं, आपके हो गए 30 अंक। और ये हमारी दूसरी टीम है और बहादुर से हम पूछेंगे कि यहाँ कौन जाएगा गणित के सवाल हल करने। रामचंद्र। चलिए रामचंद्र आप जाइए और गणित के सवाल हल कीजिएगा। जाइए खिड़की खोलिए, जल्दी 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 जल्दी, सब कुछ छुट्टी से। चलिए अब आपका समय शुरू होता है अब, यहाँ से ध्यान से देखना अच्छा। और आपका पहला सवाल है 63 जमा 28 बने, ये कह रहे हैं 91 मेदनी। 23 घटा 14 बने, 23 घटा 14। चलो सोनी दुकान खोलनी है तुम्हें, डेयरी में गिनना पड़ेगा ना कितनी भैंसे होती हैं। 9, ये कह रहे हैं 9। 16 गुना 4 बने, 64। और आखिरी है 84 भाग 4 बने, 21। चलिए इनके 4 हो गए। पहला इनका 91 सही है, दूसरा 9 सही है, तीसरा 64 सही है और चौथा 21 बिल्कुल सही। इनके हो गए 40 अंक। और अब देखते हैं कि टोंक जिला भी से कौन आएगा अपना बही खाता में लिखने। राम कुमार जी। चलिए आप चलिए राम कुमार, आप जाके खिड़की खोलिए। चलिए आप खिड़की खोलिए और ये रहे आपके गणित के सवाल। आपका वक्त शुरू होता है अब। 43 जमा 19 बने, 62। और 35 घटा 17 बने, 35 घटा 17 बने, कोई भी बोल सकता है तीनों में से। उनको पहला वाला फिर से बता दीजिए। चल जाओ यहाँ करना दो। पहले क्या बोला था आपने? 18। ये कह रहे हैं 18। तीसरा है 33 गुना 2 बने, 44। 4। 72 भाग 4 बने। बस। चलिए अच्छा, आपका पहला 62 होना चाहिए था, वहां 2 होना चाहिए था, वो गलत है। आपका दूसरा 18 है वो सही है, बाकी 2 आप खत्म नहीं कर पाए, तो इनको मिलते हैं 10 अंक। आप चलिए बैठिए। चलिए हमारे बही खाते का खेल भी खत्म हो गया, अब देखते हैं किसको कितने अंक मिले। भरतपुर जिला को 90 अंक, सीकर जिला को 90 अंक और टोंक जिला को 90 अंक। अरे वाह। कहीं समय का एक तारा
अक्षर अक्षर दीप जले, फैले शिक्षा का उजियारा, कहे समय का एक तारा। तन नन ना, तन नन ना, तन नन ना, तन नन ना। होशियार समझ बढ़े तो पढ़े विचार, बड़ा ज्ञान से ना धन दूजा, करती दुनिया ज्ञान की पूजा। शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का सब करो जतन। ये कहीं समय का एक तारा, अक्षर अक्षर दीप जले, फैले शिक्षा का उजियारा, कहीं समय का। पढ़ने लिखने का तो मजा ही कुछ और है। पढ़ें और पढ़ाएं, जीवन में खुशियां फैलाएं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। अब हम एक खेल खेलेंगे जिसमें हम आपको कुछ दिखाएंगे, कुछ सुनाएंगे। ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। इस खेल का नाम है देखी सुनी। सबसे पहले हम आएंगे भरतपुर की टीम के पास और मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगी। आप मुझे बताना है कि जैन धर्म के इस पवित्र मंदिरों को पहचानिए और इनके नाम बताइए। जोर से बोलो। जीलवाड़ा का मंदिर। जीलवाड़ा नहीं, दीलवाड़ा का मंदिर, लेकिन हम आपको दे देंगे। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। अब आप मुझे बताएं, आपके लिए ये तस्वीर है, इस चित्र में दिखाए नृत्य का नाम क्या है? ये जो नर्तक है ना, अपने बदन पे मंजीरे बांध के नाचते हैं। कौरबंधन। नहीं, गलत बोला आपने। अब मैं टोंक जिला बी से पूछती हूँ, अगर यहाँ किसी को मालूम है इस नृत्य का नाम मालूम है? ताल नृत्य। नहीं, ये गलत है। अब मुझे जाना पड़ेगा वापस आपकी टीम के पास। यहाँ किसी को मालूम है तो मुझे बताइए। राजपूतना नाच। नहीं, नहीं है। आपको मालूम है क्या नाम है इस नाच का? जी, तेरा ताली है। तो पहले क्यों नहीं बोला? सवाल तो आपका था, तेरा ताली है। कोई बात नहीं, अगली बार बोल दीजिएगा। अब ये सवाल आपके लिए है और मुझे बताइए कि चित्तौड़गढ़ स्थित स्तंभ का नाम बताएं मुझे। कला। नहीं, अब आप मुझे बताएं, यहाँ पर किसी को मालूम है? विजय स्तंभ। विजय स्तंभ कहा, बिल्कुल सही। अच्छा, इस चित्र में दिखाए गए नृत्य का नाम बताएं मुझे। राजस्थानी। नहीं, इस नृत्य का नाम बताइए मुझे। क्या बोला? करतार। बिल्कुल सही, करतार बोला इन्होंने, बिल्कुल सही। क्या बात। अच्छा, अब आपके लिए सवाल है कि राव बीका जी ने राजस्थान को कौन सा शहर स्थापित करके दिया था? बीकानेर। बिल्कुल सही, बीकानेर। और आप मुझे यहाँ बताइए कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह राजस्थान के किस शहर में है? अजमेर। बिल्कुल सही, अजमेर में। चलिए, तो आपका तीसरा खेल भी खत्म हो गया और आप क्या अब अंक देखते हैं कितने हुए? भरतपुर जिला के 120 अंक, सीकर जिला के 100 और टोंक जिला के भी 100। अब हमारा ये खेल फैसला कर देगा कि कौन आज के विजेता हैं। हम खेलेंगे जाकर 12 खड़ी। क्या करना है, हम आपको शब्द देंगे, उस शब्द में से अक्षर लेकर, मात्राएं लेकर, आपको तोड़ मोड़ जोड़कर दूसरे शब्द बनाने हैं। जितने शब्द आप बनाएंगे उसके आपको 10-10 अंक मिलेंगे। सबसे पहले हम आएंगे भरतपुर की टीम के पास। नीतू, कौन जाएगा 12 खड़ी खेलने? दीपक। दीपक, शाबाश, चलो और चलो। आपका शब्द है नयन तारा। नयन। नयन। तारा। तारा। तार। राना। राना। नाना। नाना। तारा। तारा। नाना। नाता। चलो, बहुत समय है। यारा। यारा लिख। यारा। यार। ताना। यारा। ताना। ताना। यार लिख लिया। रन। रन। ये कह रही है रन। नर। नर। नारा। 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 तन। चलो सोचो सोचो, इतना लंबा शब्द दिया है हमने आपको। नर। नर। तर। तर। तराना।
तराना तार तार पांच चार तीन दो एक जीरो। बस बस दीपक, चलिए लाइए मुझे कलम दीजिए, हम लोग देखते हैं कितने सही। तारा सही, तार सही, राना सही, ना म नहीं है, नाता सही, रण। ऐसा है कि हिंदी शब्दकोश में ण होना चाहिए लेकिन उसमें न भी है, तो राणा और रण सही है। यारा यार, नर नारा तन, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। तर सही है, तराना सही है, रात सही है। बस इनके 130 अंक हो गए। अब इसको बता के जाके लोगों से बैठ जाओ। और अब मुझे बताइए कि यहाँ से सीकर की टीम से कौन जाएगा बाराखड़ी खेलने? रामचंद्र। रामचंद्र आप जाएंगे बाराखड़ी खेलने। अच्छा, ये लीजिए आपका कलम, आप वहां जाइए और तैयार हो जाइए अपना शब्द पढ़ने। और आपका शब्द है बालकपन। और आपका समय शुरू होता है बाल। ये कह रही है कब? चलिए सोच। बालन। बालक। बालक कह रही है ये। पन। पन। ऐसे पान। बल। चलिए सोचिए सोचिए। बल कह रहे हैं ये। कल। कल भी कह रहे हैं ये। नाक। अरे वाह, नाक। कप। कप। कान। बहुत अच्छे। पाना। कहना। कहना। क्या करी? कहना। 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 बस बस बस, कलम छोड़ दीजिए। रामचंद्र जी मुझे कलम दीजिए। ये है बाल, ये है, यहाँ पर मात्रा तो नहीं है लेकिन ये क्या है? चलिए बालक है। ये पन है, ये पालन है, पन दोबारा हो गया। ये है पवन, हमारे पास व तो नहीं है। पान, बल, कल, नाक, कप, कान, पाना, पना, ये कुछ नहीं है। आपके हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अंक हो गए आपने। बहुत अच्छे भाई, बहुत होशियार नव साक्षर है हमारे सारे, बहुत सफाई से, बहुत जल्द से दिख रहे इतना सारा। आप मुझे बताइए हरि नारायण जी, यहाँ से कौन जाएगा बाराखड़ी खेलने? जय नारायण। जय नारायण आप जाएंगे। और आपका शब्द है पहलवान। और आपका वक्त शुरू हो गया अब। पहल। पहल कह रही है ये। वाहन। हल। हल कह रही है ये। पल। पल। वन। लावा। नल। सोच लीजिए, सही है वो? और आप भी सोच के लिखिएगा। हल। हल। हलवा। फिर से बोलिए। हलवा। हलवा कह रही है ये। आप भी बोलो। सूजी। 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 हाँ। लव। लव। लव नहीं, लव। लव। अच्छा। पाना। पाना। पाना कह रहे हैं राजकुमार। बस बस बस, कलम नीचे रख दीजिए आप, लाइए मेरे हाथ में दे दीजिए। चलिए ये देखते हैं। ये है पहन, ये है वाहन, हल, पल। पल है ये। अच्छा, ये चल, हमारे पास च तो है नहीं तो ये हो नहीं सकता। ये है वन, सही है। ये है लावा, दो दो आ की मात्राएं नहीं है। अच्छा, नल है। हल, हल दोबारा हो गया तो इसे हम काट देंगे। हलवा सही। सूजी तो बहुत ही सही है। और ये लव, ये पना, और ये नहीं, नहीं, इसमें भी दो आ की मात्रा हो गई। नौ अक्षर हो गए आपके, और आपके हो गए 90 अंक। चलिए आप इसे बता दीजिए। चलिए आज के हमारे खेल खत्म हुए। आज का हमारा अक्षर मेला अब एक अंत पे आने वाला है। देखते हैं किसको कितने अंक मिले और आज के विजेता कौन है। और हमारे तीसरे अंक पे है 190 नंबर पर टोंक जिला। और दूसरे स्थान पे है
सीकर जिला 220 अंक लेकर। और आज के विजेता है भरतपुर जिला 250 अंक लेकर। आओ आज का मेला होता है खत्म, लेकिन ये मेला दोबारा सजेगा। हम और आप फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप दीप से दीप जलाते रहिए और मेरे साथ गाइए। पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों। ख ख ग ग को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो, आ आ ई ई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो। ग ख ग ग को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो, आ आ ई ई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो। पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों।